हेलो गर्ल्स, होप यू आर ऑल फाइन एंड सेफ एट योर होम। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आज हम कल वाला टॉपिक ही कंटिन्यू करेंगे, जो कि फोर्थ यूनिट से है, सेकंड पेपर का, न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक, जो कि एनिमल क्लोनिंग का एक टेक्निक है, जिससे एनिमल की क्लोनिंग की जाती है। डेफिनेशन में ये एक प्रोसेस है क्लोनिंग का, जिसमें डोनर सोमेटिक सेल होती है और एक डोनर एग सेल भी काम में आती है। सोमेटिक सेल कोई भी बॉडी का कोई भी डिप्लॉयड सेल होता है, और जो न्यूक्लियर सेल है वह जो न्यूक्लियस होता है सेल का, उससे रिलेटेड होता है। सबसे पहले स्कॉटिश साइंटिस्ट जो थे, जो कि रोजलिन इंस्टीट्यूट में काम करते थे, उन्होंने फेमस शीप डॉली को क्रिएट किया, उसका क्लोन बनाया। क्योंकि ये रोजलिन इंस्टीट्यूट में डेवलप हुई थी ये टेक्निक, न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक, इसलिए यह रोजलिन टेक्निक के नाम से जानी जाती है। रोजलिंग टेक्निक एक तरह की क्लोनिंग टेक्निक है, जिसमें सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र किया जाता है, और ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है, जिसमें एक एम्ब्रियो, जो क्लोन का एम्ब्रियो होता है, वह क्रिएट किया जाता है डोनर न्यूक्लियस से। इसमें एक ब्लैक फेस शीप से डोनर एग लेते हैं, और उस एग के जो न्यूक्लियस है, ये अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, इसके न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया जाता है। और इसके बाद एक जो वाइट फेस शीप है, उसमें से एक सोमेटिक सेल ली जाती है, मेमरी ग्लैंड वाली जो सेल होती है, सोमेटिक सेल वह लेते हैं, और फिर इन दोनों को इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से फ्यूज़ कर दिया जाता है। और इस तरह से इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, और इस एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर दिया जाता है ब्लैक फेस्ड जो होती है शीप उसमें। तो कुछ टाइम बाद ही हमें ये वाइट फेस्ड लैम मिलता है, जो कि क्लोन होता है अपनी एक्चुअल मदर का, यानी इसका, जिसका न्यूक्लियस होता है। इस टेक्निक का यूज़ डॉली द शीप को क्रिएट करने में किया गया, और ये फर्स्ट मैमल है जो कि रोजलिन टेक्निक के द्वारा इसको बनाया गया, और ये वर्ल्ड की सबसे फेमस शीप है डॉली द शीप। जो रिसर्चर्स थे, सबसे पहले उन्होंने मेमरी ग्लैंड सेल्स को लिया फिन डॉर्सेट शीप से, और उन्होंने एक टिश्यू कल्चर में इनको ग्रो किया, और इस तरह से ग्रो किया कि वह मिनिमम उनको न्यूट्रिएंट दिए गए, उस कल्चर में मिनिमम न्यूट्रिएंट डाले गए, ताकि जो सेल है वह ग्रो होना बंद हो जाए क्विसेंट स्टेट में, या G0 स्टेज में वह पहुंच जाए, डिवाइड होना वह बंद हो जाए। उसके बाद में उन्होंने उसमें से न्यूक्लियस ले लिया, और न्यूक्लियस उन्होंने अनफर्टिलाइज्ड एग का उसमें से निकाल दिया, और ये जो लिया उन्होंने स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव में से लिया था, अनफर्टिलाइज्ड एग का न्यूक्लियस निकाल दिया उन्होंने। और उसके बाद में न्यूक्लियस जो ओरिजिनल मेमोरी सेल का था, उसको इंजेक्ट कर दिया गया अनफर्टिलाइज्ड एग में। इसके बाद में एक इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क उसको दिया गया, ताकि न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म के साथ फ्यूज़ हो जाए, जॉइन हो जाए, और वह डिवाइड होने लगे। इस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हुआ, और यह प्रोसीजर 276 टाइम रिपीट किया गया था, और 148 डेज में डॉली का जन्म हो गया था। जो रिसर्चर्स थे रोजलिन इंस्टीट्यूट पर, उन्होंने डॉली को क्रिएट किया, और सबसे पहले ये हुआ था क्योंकि इस टेक्निक में एडल्ट एग का इस्तेमाल हुआ था। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ, और वो डाई हो गई 14 फरवरी 2003 में, और लंग डिजीज से हो गई थी। इसमें जैसे सबसे पहले तो जो मेमरी ग्लैंड सेल है, उनको लगातार डिवाइड करके उसको क्विसेंट G0 स्टेज में लाया गया। उसके बाद में जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, ऊसाइट है शीप का, वो उसको लिया गया, और उसमें से एग को रिमूव किया गया, और उसके बाद में डोनर न्यूक्लियस जो है वो उसमें डाला गया, और ये नई सेल बन गई। और ये जो स्कॉटिश ब्लैक फेस्ड इन्यूक्लियेटेड ऊसाइट है, इसमें ये मेमरी ग्लैंड न्यूक्लियस डाला गया, ये नई सेल को फिर सरोगेट मदर में प्लेस कर दिया गया उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ताकि वहाँ पर उसकी ग्रोथ हो सके। और इस तरह से ये जो सेल एम्ब्रियो, जो सेल ऑफ डोनर एम्ब्रियो सेपरेट कर किए गए, और जो क्रोमोजोम है रिमूव फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, और डोनर सेल इज प्लेस इनटू द ऊसाइट एंड फ्यूज्ड विद बाय इलेक्ट्रिक करंट, ये वही सेम प्रोसेस है। और इस तरह से क्रिएशन हुआ, ये मेमरी ग्लैंड सेल यहाँ से ली गई, और ये जो सोमेटिक सेल न्यूक्लियस है, इसी को प्लेस किया गया इस शीप से। वो लिया हमने अनफर्टिलाइज्ड एग, इसका न्यूक्लियस हमने हटा लिया, और इस न्यूक्लियस की जगह ये वाला जो न्यूक्लियस था उसको हमने प्लेस किया, और फिर जो नया जो एग बना, नया जो एम्ब्रियो बना, उसको इसमें प्लेस किया, इस शीप में, तीसरी शीप में। फिर हमें जो ये सरोगेट मदर कहलाई, और फिर जो हमें
शीप मिली या लैम मिला वह ये ओरिजिनल मदर का था, और ये इस तरह से ये जो है क्लोन है इसका, और यह कहलाई डॉली द शीप। जो एथिक्स है इससे जुड़े हुए, बहुत ही रोजलिन टेक्निक बहुत ही कंट्रोवर्शियल रही है, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है ताकि इसमें जो एडवांसमेंट है साइंस में वो हमें पता चलते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, ये भगवान के साथ जो भगवान का काम है वो हम साइंटिस्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह से बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा है एनिमल क्लोनिंग का। एक और टेक्निक बाद में आई, होनोलुलु टेक्निक के नाम से ये जानी जाती है। यह टेरुहिको वाकायामा और यूजो याना गिमाची ने क्रिएट किया था इसको 1998 में यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में। इसमें न्यूक्लियस लिया गया एग सेल का और उसको रिमूव कर दिया गया। ये डोनर सेल है, ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, ये न्यूक्लियस है। जो स्टेप वन है इसमें द न्यूक्लियस ऑफ द एग इज रिमूव, और जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें डोनर न्यूक्लियस इज इंजेक्टेड इनटू एन एग। जो डोनर न्यूक्लियस है उसको, जो इन्यूक्लेटेड एग है उसमें उसको इंजेक्ट कर दिया गया। जो नई सेल है वह अब केमिकली एक्टिव है, और इसमें जो डिफरेंट जो डिवीज़न है और जो कल्चर है जो ग्रोथ है वह स्टार्ट हो जाती है, और एम्ब्रियो क्रिएट हो जाता है, और इसको हम सरोगेट मदर में हम प्लेस कर सकते हैं इसको। और इस तरह से ये जो प्रोसेस है वह रिपीटेडली हम ओवर एंड ओवर फिर से हम इसको रिपीट कर सकते हैं। तो जो मेन डिफरेंस है होनोलुलु ट्रांस न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक और रोजलिन न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक में, कि रोजलिन वाली टेक्निक में इलेक्ट्रिक स्पार्क यूज़ किया जाता है, जबकि होनोलुलु टेक्निक में कुछ जो केमिकल हैं उनका ट्रीटमेंट इसको दिया जाता है, और ये जो इलेक्ट्रिक स्पार्क है वह यूज़ नहीं किया जाता। और ये वाली जो टेक्निक है होनोलुलु टेक्निक के जो रिज़ल्ट हैं वो ज़्यादा अच्छे रहे हैं, तो इसको ज़्यादा फॉलो किया जाता है। और यही दोनों टेक्निक को यूज़ किया गया एनिमल क्लोनिंग में। तो ये जो टॉपिक है आपका एनिमल क्लोनिंग का, एनिमल क्लोनिंग में सिर्फ क्लोनिंग का जो प्रोसेस है यानी जो प्रिंसिपल है वो भी पूछा जा सकता है, और ये जो टेक्निक है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक जो कि दो है आपके, एक तो है रोजलिन इंस्टीट्यूट टेक्निक जिससे डॉली द शीप क्रिएट हुई, और दूसरी जो है वह होनोलुलु न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक है। इन दोनों को आपको डायग्राम के साथ में अच्छे से लर्न कर लेना है। पीडीएफ मैंने भेजी है, डिटेल में है उसमें जो अकाउंट है, और ये जो एक्सप्लेनेशन है वो आपकी हेल्प के लिए है ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से आपको इसे पढ़ना है। फिर भी कोई आपको डाउट हो तो आप उसको कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन टेस्ट जो आपको दिए जा रहे हैं आप उनको अटेंड करें, अगर अटेंड नहीं करेंगे तो लॉस में रहेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए जाते हैं, वन लाइन क्वेश्चन होते हैं जो कि सिर्फ टिप्स पे होते हैं, उनको आप इजीली ऑनलाइन आप सबमिट कर सकते हैं और रिजल्ट भी आपको तुरंत मिल जाएगा उसमें। और अपना ध्यान रखें और अपने घर में ही रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।